हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विमलाशीष ब्लॉग में एक बार फिर। दोस्तों, आप सभी लोगों के जीवन में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ही कम समय में आपके जीवन में बहुत ही खास जगह बना लेता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड से जिसने बहुत ही कम समय में मेरे जीवन में बहुत ही खास जगह बना ली है, और आज मैं आपको उससे मिलवाऊंगा और बताऊंगा कि वो खास क्यों है मेरे लिए। मेरे लिए बहुत खास है और उसको खास बनाता है उसकी सिंप्लिसिटी। हम दोस्तों देखते हैं कि आज लोग चकाचौंध की तरफ भाग रहे हैं, वहीं मेरा ये दोस्त बहुत ही सिंपल है और यही सिंप्लिसिटी उसे सबसे अलग बनाती है। वो बहुत ही सिंपल परिवार से आता है और उसका सादगी भरा जो जीवन है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत ही सिंपल है। साथ ही वो अपना शॉप भी चलाता है, तो ऐसे में हार्ड वर्किंग के साथ साथ जितना वो सिंपल है उसी से उसने मेरे को बहुत इंप्रेस किया और उसी के कारण मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ। तो आज मेरे साथ चलिए चल चल। तो दोस्तों, इस समय मैं पहुंच गया हूँ आज़ादपुर और मैं इस समय खड़ा हूँ सत्यवती कॉलेज के पीछे। कुछ ही मीटर दूर मेरा फ्रेंड भी रहता है, तो आज इससे मिलने जा रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो मेरा एक्चुअली काम भी था, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो ख़राब हो गया है, शायद वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो मैं उसी को दिखाने भी जा रहा हूँ। ये है सावन पार्क का इलाका, ये देखिए पूरा तंग इलाका है, ये देख सकते हैं कपड़ा, ये पूरा तंग इलाका। चलिए भैया अंदर उड़ते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर भाई का। तो भाई ने शॉप इतनी बंद करी हुई है, घर ही चलते हैं, घर में चल के पूछते हैं। ये आ गए हम, पहुंच गए हम यहाँ पर। मीट माय फ्रेंड वीरेंद्र, कैसे भाई? बढ़िया। ये देखिए, और ये है इनका सेंटर। ये देखिए, आप बता दीजिए। तो भाई, बबलू भाई की शॉप जो पहले अंदर घर के तरफ थी, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, तो मम्मी जी ने बताया कि उन्होंने शॉप चेंज कर लिया, वो फ्रंट में आ गए, तो सीधा मैं यहीं आ गया हूँ। ये देख सकते हैं, ये इन्होंने नई शॉप यहाँ पर खोली है और ये बिल्कुल मेन फ्रंट पे ही है। मतलब जस्ट जैसे पहले अंदर था, वो अब बाहर की तरफ आ गया है, तो अब फ्रंट पे ही खरीद इन्होंने कर ली अपनी शॉप। ये देखिए, ये मार्केट एरिया भी है पूरा। और बबलू जी जैसे कि एवरग्रीन बिजी रहते ही है भाई, संडे सैटरडे है तो छुट्टी है, चलो मिल गया फिलहाल। अदरवाइज तो ऑफिस है, साथ में डबल शिफ्ट है काम, भैया काम पहले है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इनके कार्ड में यहाँ पर लिखा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, लैमिनेशन वगैरह, वेरिफिकेशन बाइक्स वगैरह के रिलेटेड कुछ भी कोई काम है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब तो फिलहाल पहुँच ही गया हूँ, तो थोड़ा लप्पे छप्पे मारेंगे यार। तो भाई मिलवाते हैं आपको अपने फ्रेंड वीरेंद्र से। तो बताइए यार, कुछ बोलो यार, बताओ यार कुछ अपने बारे में, कुछ बताओ बढ़िया बढ़िया। तो मैं ही बता देता हूँ, एक्चुअली भाई हमारा रहता है ये सावन पार्क है एरिया, आजादपुर नियर बाय, और सत्यवती कॉलेज यहीं पर है। हमारा कॉलेज का फ्रेंड है, और कॉलेज का मतलब कहते हैं ना कि तीन साल मतलब बहुत कम होते हैं, बट ये है कि तीन साल में अगर कोई इंसान आपके जीवन में बहुत अच्छी जगह बना ले ना, तो वो है ये हमारा भाई वीरेंद्र, और यहाँ का जब फेमस भाई बबलू भाई। तो बबलू भाई हमारे जो हैं वो मतलब ऐसा नहीं है, जॉब तो करते ही हैं और जॉब के साथ साथ मतलब ये काम भी है। पहले जब हम आते थे तो इस समय उनके घर के पास जहाँ से मैंने आपको दिखाया था अभी वहीं से हमारे हैं, तो वहाँ पर उनकी शॉप थी, वो अब उन्होंने बंद कर दिया और अब फ्रंट मेन में आ गए हैं, तो ये देख करके बहुत अच्छा लगा। और भैया कैसा चल रहा है? अभी भी वही है शाम को, फिर सैटरडे संडे का। और यहाँ का मतलब शिफ्ट कैसी है, मतलब यहाँ पर कितने बजे आया था? कितने बजे? सुबह साढ़े आठ से 9 बजे तक, शाम को 4 बजे। अच्छा, तो फुल टाइम में मतलब पर भाई हमारे काफी जैसे पहले बताया था बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग भी है, तो काम तो मतलब उनके लिए अब। ओहो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओहो, लो जी ये भी आ गए, लो मिलिए। अरे वीडियो आते ही देखा सब जाते हैं, कोई बात नहीं। तो जैसे कि दोस्तों ये देख सकते हो, ये है मेरा डेल का लैपटॉप जो कि हो गया है आज ही खराब, मतलब काम के टाइम पे जब कहते हैं ना कुछ जरूरत होती है उससे ज्यादा जब एकदम से कुछ चीज हो जाती है, तो वो देखिए आज ही ब्लू डंप हो गया है। तो मेरे को लग रहा है शायद विंडो उड़ गई है, क्या उड़ गया है, जो भी है। तो हमारा दोस्त एज ए जीनियस
को। उसी से आए हैं उसी के पास दिखाने के लिए, क्योंकि मैं तो ज्यादा अपनी चीजें उसी से प्रेफर करता हूँ, इधर उधर बाहर मार्केट में देता नहीं। तो मेन पर्पस तो यही था फिलहाल, और फिर इसके साथ कहते हैं ना कि एक काम जब निकलता है तो दूसरा काम भी आ जाता है, मैंने ठीक है और टाइम हो गया, मिले भी नहीं क्योंकि कोरोना के टाइम पे तो फिर इधर उधर आना जाना ही बंद हो गया था, तो उस बहाने से आज हम मिलने भी आ गए हैं। साथ ही मैंने कहा आज दुकान भी जो इधर उधर हुई है यहाँ से वहाँ, उसको भी देख लेंगे कि नए ढंग से कैसे बनाया है, क्योंकि उस समय वाली दुकान और इस वाली दुकान में बहुत फर्क है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब ये सिर्फ मतलब अपने आप में पूरी स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और बाहर जैसे कि बोर्ड में आपने देखा ही है, प्रिंटर से लेकर के कुछ भी चीज़ आपको असेंबल वगैरह करवानी है तो वो सब भी यहाँ पर हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। तो बबलू भाई का जैसे डिटेल्स वगैरह आपको अगर कुछ चाहिए या आपको कोई पर्सनली कुछ काम होता है तो आप फोन नंबर पे इनसे मैसेज पे बात कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से काम करवाना है या कोई और पर्सनल काम करवाना है उससे रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। हाय गाइस, तो फिर एक बार आ गए हैं वापस बबलू भाई की शॉप पे। तो दो दिन पहले ये दिया था, बाकी ये यूज करके बताएंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। कैसी में देख लो, एसएसडी लगने के बाद स्पीड तो इंक्रीज हो जाती है, 10 टाइम मोर हो जाती है स्पीड। हाँ, तो वही मैंने भी सोचा कि इस बार मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कम करें और एसएसडी कार्ड ही वो एसएसडी वाला ही लगवा दे, ज्यादा अच्छा है क्योंकि कंप्यूटर के बारे में तो ज्यादा है नहीं, तो हम तो कंप्यूटर से जो भी रिलेटेड जो भी क्वेरीज वगैरह हमारी तो जो भी होती है वो बबलू भाई ही करते हैं। तो वही है, यहाँ पर आई गए तो आज फिर ऑफिस से डायरेक्ट मैं सीधा यहीं आया हूँ। तो जैसे उन्होंने बोला कि हाँ हो गया, क्योंकि उनको भी ज्यादा तकलीफ हुई, तो दिन जोर भगाया बार बार उनको वो भी अपना काम छोड़ करके वहाँ गए, तो फाइनली उन्होंने मतलब आज वहाँ से काम कंप्लीट करा दिया है। तो अब पहुँच ही गए हैं, तो ठीक है थोड़ी देर बैठेंगे तो बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं, कोई नहीं काम तो हो ही गया। ये देख सकते हो, ये देखिए और ये देखिए, ये इसलिए बबलू भाई की दुकान पे शॉप पे हमेशा हर वक्त जब भी देखेंगे आप भीड़ लगी रहती है। फिलहाल जैसे ही मैं भी आया था तो बाहर भी उस समय भी भीड़ लगी हुई थी, फोन मतलब बंदे मुझसे पूछ रहे थे यहाँ के कि वो कब आएंगे, तो मैंने तो इतना ज़्यादा बोला नहीं कि कब आएंगे, मैंने कहा आने वाले होंगे तो मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। तो उसके बाद अब देखते हैं धीरे धीरे लोग आना शुरू होंगे यहाँ पर दोबारा से। तो दोस्तों फाइनली मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और इस समय आप देख सकते हैं टाइम, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत देर हो गई है बातचीत करते हुए, तो बहुत अच्छा लगा हुआ है मुझे इसका बैठते हुए। तो और अब निकलते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं घर। फाइनली हमारा ब्लॉग खत्म हो गया है, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भूलिए। गुड बाय।